करूंगी करके, तो बीएड करके मेरिट लिस्ट से मेरा नंबर लगा एमएड में नागपुर यूनिवर्सिटी में। मैंने वहां पे एमएड किया, फर्स्ट क्लास आई, और 4.5 साल मैंने गढ़चिरौली में जॉब किया। बीएड कॉलेज में लेक्चरर थी, डीएड में एचओडी करके मेरे पास फिलोसॉफी और साइकोलॉजी ये सब्जेक्ट में पढ़ाती थी। और क्या था ना, होल्टर्स कंपनी बंद हो गई और मेरा जॉब चालू हुआ। पहला इनकम मुझे 12,000 आया। देखो ना, गॉड का कितना अच्छा प्लान रहता है, एक दरवाजा बंद कर देता तो दूसरा दरवाजा ओपन कर देता हमारे लिए, है कि नहीं? तो हमें खाली करते ही रहना है फ्रेंड्स, ऐसा ही मैंने किया। फिर कोर्ट की जगह निकली, मेरे हस्बैंड का बीकॉम हुआ, डीबीएम शॉर्ट हैंड, उनका टाइपिंग भी हो गया, तो 5 एग्जाम उन्होंने क्वालिफाई की, और उन्हें गढ़चिरौली में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में एज अ क्लार्क करके उन्हें गवर्नमेंट सर्विस मिली। वहां पे हम रहे, अच्छा चालू था, हमारी दिवाली भी बहुत अच्छी हुई। फिर ऑब्स्टेकल्स आए, फिर उन स्टे आया कोर्ट में, और छोटे छोटे कोर्ट बंद हो गए, और फिर मेरे हस्बैंड का जॉब चला गया। फिर बहुत ही हम डिस्टर्ब रहते रहे, मेरा जॉब चालू था, उनका बंद हो गया। फिर क्या हुआ ना, 6-7 महीने के बाद में उन्हें फिर जॉब मिला, उनकी जिला बदली हुई वर्धा में, और वो वर्धा में आए। मैं गढ़चिरौली में रहती थी मेरे बच्चे के साथ, मेरी छोटी सी बेटी आलंदी भी हुई थी तब, और ऐसा हमारा जीवन चालू था। और वर्धा में वो आए और मैंने भी वो जॉब रिजाइन कर दिया, क्योंकि वर्धा और गढ़चिरौली का अंतर डिस्टेंस बहुत ज्यादा था, मैं अकेले वहां पे नहीं रह पाती थी फ्रेंड्स, तो इसलिए हम वर्धा में शिफ्ट हुए। और वर्धा में आने के बाद में मेरे ससुर को भी कैंसर हुआ था, वो भी एक्सपायर हो गए, ससुर मेरे साथ में रहते थे, और मेरे बेटी के भी हालत बहुत खराब थी, तो उसको देखने के लिए भी कोई नहीं था, तो मैंने वो भी जॉब रिजाइन किया। आप सोच सकते हो, 2 बार जॉब रिजाइन करने के बाद में कैसा लगता है? तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इतनी पढ़ाई करने के बाद में मैं खाली क्यों हूँ, ऐसे मुझे लगता था। और बेटी भी मुझे सामने दिखती थी, और मैंने बेटी को लेके गई मैं हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर ने बोला कि देखो, 5 साल इसकी प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है, आपको जॉब इम्पोर्टेंस हो तो आप जॉब करो, लेकिन बेटी की तरफ आपको ध्यान देना है। तो मैंने कहा कि चलो, अभी मेरे हस्बैंड का जॉब है तो मैं ये जॉब रिजाइन करती और बच्चे को संभालती। और बच्चों को संभालते टाइम पे मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मतलब 10,000 मेरे हस्बैंड का पेमेंट था कोर्ट का, और 10,000 से गुजारा नहीं होता था हमारा, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का हॉस्पिटल का खर्चा, और रूम का किराया, किराना, उसी में वो पूरा चला जाता था, हाथ भी कुछ भी नहीं रहता था। तो मैंने सोचा कि चलो ट्यूशन क्लासेस लेते करके, तो मैंने डिसीजन लिया। पहले 3 स्टूडेंट आए, छोटे छोटे बच्चे आए, फिर मुझे मेरे कान पे आया कि इतने बड़े बच्चों को पढ़ाती थी तो अब छोटे बच्चों को पढ़ाने चली क्या, ये ऐसा वैसा कुछ सब मैंने सुना। तो मैंने 3 वर्षों से स्टार्ट किया फ्रेंड्स, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए, देर से स्टूडेंट मेरे ट्यूशन में आने लगे, इनकम भी आने लगी, 30-35 हज़ार तक के मैं बना लेती थी। और 7 साल मैंने कृष्णा नगर में मैंने कोचिंग क्लासेस ली, और हम दोनों ने ये डिसीजन लिया कि चलो हम मकान बनवाएंगे, तो हमने ड्रीमलैंड सिटी सावंगी में हमने हमारा मकान बनवाया, सर ने लोन लिया, और लोन लेके हमने हमारा मकान बनवाया 2016 में। ऐसी सिचुएशन थी, मकान तो बन गया लेकिन छपाई करने के हमारे पास पैसा नहीं था, वॉल कंपाउंड में हमारी छपाई नहीं थी, टाइल्स वॉल लगाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं था, हमने फ्लोरिंग करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं था। मेरे हस्बैंड का कहना था कि लोन, कितना लोन लेंगे और कितना सिर के ऊपर करेंगे, चलो ना स्लैब गिर गया, दीवारें भी खड़ी हो गई, तो हम ऐसे ही रहेंगे। मैंने भी हाँ बोला, हम ऐसे ही रहेंगे करके। तो हमने कारपेट डाला, और 2016 में हम घर में रहने आए ड्रीमलैंड सिटी में। देखो, गॉड्स का कुछ अलग ही प्लान रहता है फ्रेंड्स हमारे लिए। थैंक गॉड बोलना चाहूंगी, ईश्वर को बार बार थैंक यू बोलना चाहूंगी कि अपॉर्चुनिटी हमारे लाइफ में आने वाली थी। तो हमारे ड्रीमलैंड सिटी में एक फंक्शन था, सावित्रीबाई फुले जयंती का प्रोग्राम था, 3 जनवरी 2018 का वो फंक्शन था। वो फंक्शन में मुझे बुलाया था, मेरा स्पीच हो गया, और हमारे मेंटर जो है डॉक्टर बाबाजी घेवड़े सर और आशा मैम, सही में उनके लिस्ट में हमारा नाम था फ्रेंड्स। मैं कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही थी, मेरा उधर आना जाना, स्ट्रगल, लोन, पैसा का बहुत ही दिक्कत था मेरे लाइफ में। मुझे लगा कि मैं कुछ करूं करके, तो उसमें मुझे आशा घेवड़े मैडम मिली, और उन्होंने मेरे से फ्रेंडशिप बढ़ाई, मुझे पूछा क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, कहाँ पे रहते हो, मुझे किसी ने ऐसा कभी भी नहीं पूछा। मैं बोली कि इतना अच्छा बात कर रही है मैम, तो मैंने मेरा सब मैम को बताया, मैम ने मेरा नंबर लिया, और दूसरे दिन में मुझे कॉल करके बोला कि मैम फ्री हो तो हमारे घर में बच्चों को लेके आओ करके। तो मैं मेरे बच्चों को लेके, आलंदी और वेदांत को लेके मैं मैडम के पास गई, मैडम ने उनका घर दिखाया,
उनके ड्रीम्स दिखाए, मेरे बच्चों के ऊपर उन्होंने हाथ रखा और बोला कि नाम क्या है बेटा। तो मेरे बेटे को अच्छा लगा, क्योंकि ड्रीमलैंड सिटी में हम आए थे तो हमारा एक ही घर था, वैसा कोई नहीं था पूछने वाला हमें। तो बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा, हम घर में आए, मेरे बच्चे इतने हैप्पी हो गए कि देखो मम्मी कितना अच्छा लगा मैडम के घर में गए। तो तब सर सीएमएस थे, मतलब सावंगी में यूनिवर्सिटी में वो सीएमएस थे, इतना बड़ा बंगला इतना सब। और मैम ने हमसे बहुत प्यारी सी बातें की और हम घर में आए। घर में आने के बाद में दूसरे दिन में हमारी आशा मैम ने हमें फोन किया और डेमो बैग लेके हमारे घर में आए और हमें अच्छे अच्छे डेमो दिखाए और बोला कि ये प्रोडक्ट्स यूज करके आपके ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं। मैंने बोली कि इतनी बड़ी मैम मेरे घर में आए, मेरे घर में तो टाइल्स भी नहीं है, मेरे घर में तो कारपेट है। 2016 से वो कारपेट लगा हुआ था, तो 2018 में तक के वो फटा हुआ था, वो डालने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैम ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, मैम ने बोला कि देखो मैम क्या है ना, ये प्रोडक्ट्स यूज करके आप घर का रिन्यूवेशन भी कर सकते हो और फॉरेन ड्रीम्स भी कर सकते हो। तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो इतना बैठ गया कि नहीं, मैम तो बोल रही कि नहीं हम आपके साथ में, आप डिसीजन लो करके। फिर क्या होता ना, बिजनेस में आने के बाद में हम बहुत एक्साइटेड होते और किसी को ये बातें बताते। तो मेरे हस्बैंड कोर्ट से आए और कोर्ट से आने के बाद में उस दिन मैंने पहले क्या दिया, पानी दिया, चाय दिया। मेरे हस्बैंड बोले आज इसको क्या हुआ, ऐसे आते तो ये तो ऐसे नहीं करती, आज तो चाय भी है पानी भी है सब भी है, पैर भी मेरे धोने की है, इसको क्या बोलना है करके। तो मैंने बातें चालू की, मेरे हस्बैंड को बताया मुझे बहुत अच्छा लगा, आशा मैम घर में आई, डेमो बताए क्या है बोले। तो मैंने बोला एमवे है। बाप रे एमवे है, अरे मैंने तो 1999 में भी देखा था, एक मेरा रिलेटिव है वो प्रोडक्ट्स लेके आया था, वो चलता नहीं है, तू मत कर इसमें मत पड़ तू। तो मैं नर्वस से हो गई, मेरे आशा मैडम देखती थी वो डेमोज मुझे प्रोडक्ट्स के सामने दिखे थे, लेकिन मेरे हस्बैंड तैयार नहीं थे फ्रेंड्स मत करो करके। फिर मैंने मेरे भाई को भी कॉल किया, मेरे भाई डॉक्टर है, उन्होंने बोला कि देख मैंने भी ये करके छोड़ दिया है, तू क्या है ना वो डॉक्टर सर है मैडम है उसको बोलना प्रोडक्ट्स ही लेना करके, तू ये नहीं कर सकती, हमारे पापा भी डॉक्टर है क्या बोलेंगे लोग, नहीं जमेगा तेरे से। मेरी बहन भी बोली तू कैसे करेगी करके, सब लोगों ने मुझे ना ना बोला, मैं घर में ही रह गई। फिर मुझे मैम का कॉल आया और 14 जनवरी को मैम ने मुझे घर में बुलाया, मैं उनके घर में गई और सर ने हमें प्लान बताया बोर्ड में, और उसका जो कैलकुलेशन है मतलब इनकम कितना आता है वो मेरे दिमाग में गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर सक्सेस प्रोफाइल मुझे बताई, सक्सेस प्रोफाइल मुझे समझा के दी और मैं घर में लेके आई सक्सेस प्रोफाइल, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने मेरे बेटे को दिखाया, मेरे हस्बैंड को देख ही नहीं रहे थे, जान दो ये मुझे मत बताओ करके, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था। मैंने थोड़ा सा देखा, एक दिन मेरे सक्सेस प्रोफाइल मेरे घर में रह गई और दूसरे दिन मेरे हस्बैंड बोले कि जाओ लेके जाओ। मैं बोली कि मैं कैसे लेके जाऊँ और सर और मैम क्या बोलेंगे मुझे, और एमवे क्यों नहीं कर रहे ऐसे बोलेंगे, मैं नहीं जाती बाबा, मुझे बहुत डर लगता। तो मैंने मेरे बेटे के हाथ से वो सक्सेस प्रोफाइल मेंटर के घर में भेज दी और उन्होंने कहा मम्मी क्यों नहीं आई, तो मेरे बेटे ने कहा मेरे मम्मी को काम है इसलिए नहीं आई। तो सर मैडम समझ गए कि पहले तो ना ही आता है, लेकिन थैंक गॉड मैंने क्या किया, गॉड को प्रे करती रही, क्योंकि मुझे वो करना था बिजनेस, मैंने देखा था डेमो, मैंने देखा था प्लान, मेरे हस्बैंड को बोला मैंने, मैं बहुत रोई। फिर मेरे ननद को फोन किया, वो मुंबई में रहती है, वो बोली इधर तो बहुत अच्छा बिजनेस चालू है करके, आप कर सकती हो। तो मैंने बोली कि भाई को बताओ अपने, तो भैया को बताओ, तो सर ने ही मुझे वहां से लेके गए मेंटर के घर के सामने से लेके गए, और सर और मैडम वॉकिंग के लिए आते तो मैं छुपती थी, इधर भागती थी उधर भागती थी, क्योंकि मुझे एमवे करने के लिए बोलेंगे करके। तो फिर हमारा फॉलोअप लिया, देखो बिजनेस में फॉलोअप लेना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, बहुत बड़ा बिजनेस ग्रो करना है तो हम डेमो दिखाते हैं प्लान दिखाते हैं लेकिन फॉलोअप नहीं लेते, तो फॉलोअप से ही हम आज बिजनेस में टिके हुए हैं। जैसे ही सर ने हमारा फॉलोअप लिया कि क्या कर रही हो विनु सर, वैशाली मैडम आप क्या कर रही हो, आप ट्रेन से क्यों जाते हो, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं ट्रेन से जाता हूँ। आपके पास टाइम है क्या, तो टाइम भी नहीं पैसा भी नहीं, मेरे पास टाइम भी है पैसा भी है, तो ये बिजनेस करने की मुझे जरूरत है क्यों, आपके ड्रीम्स नहीं है क्या। तो हमने बोला कि हाँ सर लेकिन हमारे पास में टाइम नहीं है, सर बोले इधर उधर जाने के लिए आपके पास टाइम है, और हम इतनी अपॉर्चुनिटी बता रहे हैं तो हमारे घर के लिए टाइम नहीं क्या। वो जो पॉइंट था वो हमें यहाँ पे हार्ट टच हो गया फ्रेंड्स, कि इतने अच्छे से हमारे सक्सेस के लिए ये सर हमें बता रहे हैं तो हमें जाना चाहिए उनके घर में। तो हम उनके घर में गए और मेरे हस्बैंड ने प्लान देखा तो तब भी से उन्होंने डिसीजन लिया ये बिजनेस करने का।
बिजनेस करने के बिजनेस में आए हम, हमने कुछ प्रोडक्ट्स परचेस किए तो चैलेंजेस तो बहुत ही आए। सबको पता चलने लगा कि विनोद एंड वैशाली ये बिजनेस कर रहे करके, क्योंकि मैंने सभी को बोल दिया था कि मैं एमबे बिजनेस में हूँ और मैं कर रही हूँ करके, मतलब रिलेटिव्स को बताया। तो क्या हुआ ना, मैं मेरे बेटा और बेटी घर में रहते थे, सर कोर्ट में जाते थे, तो मैं मैम के साथ में डेमो के लिए जाती थी। मैम ने मुझे सब डेमो सिखाए, मैम कैसे करते हैं, हम हमारे अपलाइन का ऑब्जर्वेशन करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। यहाँ इतना बड़ा एजुकेशन होने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, मेरा इतना बड़ा एजुकेशन है, ये एजुकेशन के सिवा इसमें और कुछ है? डुप्लीकेशन और अपना स्किल डेवलप करना है फ्रेंड्स। तो और हमारे मेंटर प्लान कैसे दिखाते हैं, सर डेमोस कैसे दिखाते हैं, चैलेंजेस कैसे आए? जब मैं कोचिंग क्लासेस लेती थी तो मैं मतलब लोगों की आंखें मेरी तरफ थी, देखो अब 4 बज गए, अभी छुट्टी होने के बाद में ये जाएगी, तो कभी कभी मुझे पहले भी जाना पड़ता था 5-10 मिनट पहले। तो पेरेंट्स लोग मुझे बोलते थे कि क्या हो मैम, आपका तो ध्यान ही नहीं है हमारे बच्चों की तरफ, थोड़े से मार्क्स कम आए तो उसका मुझे सुनना पड़ता था। तो मेरे मेंटर ने कहा कि देखो मैडम, आप जो कोचिंग क्लासेस से इनकम ले रहे हो, उतना इनकम आपको ये बिजनेस से आया तो आप कोचिंग क्लासेस को बाय बाय कर सकती, तब तक कि आप अपने क्लास चालू रखो। हमारे मेंटर हमारा सब कुछ देखते हैं, कहाँ से इनकम आता है, कौन से इसकी जरूरत है करके। तो वही हुआ फ्रेंड्स, मैं 9% चली गई, तब 9% था, हम 15% गए, 15% का हमें मतलब 50,000 का चेक मिला उस टाइम पे 2018 में फ्रेंड्स। और नागपुर में ऑफिस था, वहां पे भी हमें रिकॉग्नाइज किया गया और हमें फोरम भी मिला, हम 4 पॉइंट शेरेटन होटल में भी जाके आए, कभी होटल होटल नहीं गए थे फ्रेंड्स। इतना सब कुछ मिलने के बाद में मैंने कोचिंग क्लासेस को बाय बाय किया, अभी फुल टाइम मैं बिजनेस बिल्ड करती हूँ, तब से लेके आज तक के 3 पट इनकम हमें ये बिजनेस से आता है फ्रेंड्स। तो कैसे ओवरकम चैलेंजेस किए, जैसे बच्चे घर में रहते थे तो मैंने छोटा सा मोबाइल उनके पास में रखा था, तो रिलेटिव लोग उनको फोन करते थे, तेरी मम्मी कहाँ गई, पापा कहाँ गई, आज तो त्योहार है, बाहर गई क्या, खाने में क्या बनाया, खाने में दाल चावल ही बनाई, रोटी ही बनाई, क्यों कुछ बनाया नहीं क्या? तो मैं घर में आती तो बच्चों छोटा सा मुंह करके बोलते थे कि मम्मी ऐसा फोन आया, हमें ऐसा बोला करके, तो मैं थोड़ा सा गोड़ वोड़ स्वीट्स थोड़ा सा बना के उसको चुप करवा के रखती और बिजनेस से क्या रिवार्ड मिलते उनको बताती रहती। और हमने ड्रीम्स भी हमारे चिपका के रखे थे क्योंकि हमें फॉरेन ट्रिप्स करना था, प्लेन में बैठना था, हमारे मेंटर का हमने वो देखा था, फोटोज देखे थे, तो हमें वहां पे जाना था, तो मैं बच्चों को वही विजुअलाइज करके बताती थी कि यहाँ पे हम जाने वाले हैं करके। और ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आए, किसी ने मेरे बेटे को कहा काहे के लिए ये बिजनेस कर रहे हैं, तेरी मम्मी पापा तो ये बिजनेस करके बर्बाद हो जाएंगे, तुझे भी बर्बाद करेंगे, वो रोके रोके मेरे पास आया था, ये इतने एमवे के प्रोडक्ट्स में इतना पावर है क्या, चल ये साफ करके बता, तेरा ला एमवे का प्रोडक्ट्स, ऐसे बोलता था मेरे बेटे को। मेरा बेटा 8वीं क्लास में था, वो रोता रोता मेरी तरफ आता था, लेकिन मैं बोलती थी कि यही प्रोडक्ट्स है हमारे ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं। हम इतने स्ट्रांग रहे क्योंकि हम मीटिंग में जाते थे और हमारे मेंटर का एसोसिएशन हमसे था, उन्होंने हमारा फोकस इधर उधर जाने नहीं दिया फ्रेंड्स, उन्होंने वो फोकस बना के रखा। फिर ये बिजनेस में आने के बाद में हमें क्या करना है, देखिए हमने क्या किया, अब तो आपको इतना बड़ा मतलब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि BFI स्ट्रक्चर आया है, 4+ आया है कि नहीं, स्ट्रक्चर्स के हिसाब से बिजनेस करोगे तो बहुत सारे पैसे बनाओगे, क्योंकि BFI का स्ट्रक्चर बनाया तो BFI का तो इनकम आपको आएगा ही, लेकिन 25% ज्यादा एक्स्ट्रा इनकम आपको बनाना है, करना क्या है, तो हमारा स्ट्रक्चर स्ट्रांग करना है, अपलाइन के साथ में बैठना है, जो भी यहाँ पे BFI है उनको BVI का स्ट्रक्चर बनाना है फ्रेंड्स, है ना? और BVI में कितना इनकम एक्स्ट्रा आता है, 30% इनकम एक्स्ट्रा आता है, वो अपने अपलाइन से समझ लेना है, जो भी आपके अपलाइन है आपके बारे में सही राह दिखा के आपको वहां तक के वो लेके जा सकते हैं। तो BVI जाओगे तो आपको फोरम मिलेगा और बहुत बढ़िया रिकॉग्निशन होगा वहां पे आपका, और बहुत बढ़िया आपको इनकम ही आएगा, और आप अपने टीम में मतलब अपने बिजनेस पार्टनर के टीम के डेप्थ में कितने BFI कर सकते, कितने BVI कर सकते, इसके ऊपर आपको फोकस करना है फ्रेंड्स, क्योंकि वही अपने बिजनेस के से ग्रो होगा अपना बिजनेस और बहुत बढ़िया बिजनेस होगा। हमने क्या किया, 2018 में हम बिजनेस में आए फ्रेंड्स और 2019 में ही हम प्लेटिनम गए, और प्लेटिनम का हमें फोरम मिला बैंकॉक में, है ना? मेरा ड्रीम्स था, मैंने लगा के रखा था,
कुछ रिलेटिव घर में आते थे, बाप रे यहाँ पे जाएगी क्या? मैंने बोला कि हाँ यहाँ पे जाना है हमें, हमने देखा है यहाँ पे जाते हुए लोग, हम प्लेन में भी बैठेंगे, हम जाएंगे। वो विजुअलाइज किया, वो सच हुआ। हम बैंकॉक जाके आए, 4 पॉइंट शेरेटन होटल में हमारा बहुत बहुत बढ़िया रिकॉग्निशन हुआ फ्रेंड्स। उतना मैं मेरे हस्बैंड को ऐसे पिंच लेती थी कि सच्ची में हम यहाँ पे आए क्या? तो बोले हाँ सच्ची में हम यहाँ पे आए और हमारा ये ड्रीम पूरा हो गया। और एमवे कॉर्पोरेशन ने इतना अच्छा ट्रीट किया, ऐसे आप जाओ कहीं पे भी उतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता। पूरे होटल हमारे लिए रहता है, कहीं पे भी जाओ कहीं पे भी बैठो, कोई कुछ भी कहता नहीं है हमारे, वो हमारा मिला हुआ रहता है फ्रेंड्स। इतना अच्छा हमें ट्रीटमेंट मिला। उसके बाद में हम जब कोरोना आया फ्रेंड्स, देखिए कोरोना में हमें ये बिजनेस कैसे बिल्ड किया, तो जूम जूम के ऊपर हमने बहुत बढ़िया फोकस किया। हमने जूम पे मतलब प्लान लेना चालू किया, किट ओपनिंग किया हमने, मतलब ये लिया उसको क्या बोलते ब्यूटी सेशन किया जूम पे हमारा, और बहुत दूर दूर से लोग है ना वहां पे इन्वॉल्व हुए और उन्होंने हमसे बातचीत करना चालू किया और कैसे डेमो दिखाने हैं ऐसे हमने जूम से ही उनको बताया। तो वही टाइम पे हमारे टीम में बीबीआई क्वालिफाई हुए है कि नहीं, ब्रॉन्ज हुए, और ब्रॉन्ज का इनकम भी उनके घर में आया और बहुत बढ़िया टीम तैयार हो गई। फिर हमें दूसरा ट्रिप जो मिला अंतालया तुर्कस्तान में मिला, जो कि हम हमारे मेंटर के साथ में गए, एमरल्ड गोइंग डायमंड डॉक्टर बाबा जी घेवड़े सर और आशा मैम उनके साथ में गए अंतालया में। इतनी बहुत बढ़िया कंट्री है फ्रेंड्स वहां पे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एसोसिएशन। और जो सक्सेस लोग हैं जिनकी सीढ़ी सुनते हैं डायमंड्स एंड लीडर्स, वहां पे हमें देखने को मिले, इतना अच्छा महसूस हुआ। और सर और मैम ने हमें बहुत सी छोटी छोटी बातें सिखाई, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। सबमिशन बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स ये बिजनेस में। तो ऐसी हमें ट्रिप मिली। फिर उसके बाद में हम हमारे डायमंड अपलाइन जो है महेश पाटिल सर और शमा मैम है ना, हम उनके साथ में कॉर्डिलिया क्रूज हम क्वालिफाई हुए, उनके साथ हम कॉर्डिलिया क्रूज पे गए। क्रूज कैसे रहता हमें तो कभी पता ही नहीं था, लेकिन वहां पे जाने के बाद में हमारे डायमंड अपलाइन महेश पाटिल सर और शमा मैम हमसे मिले, हमारे फोटो खींचने लगे, ऐसे का इतना बड़ा क्रूज है और हम हमारे डायमंड अपलाइन के साथ में रहे, छोटे बच्चे बन के रहे फ्रेंड्स। उन्होंने हमें बहुत कुछ बातें सिखाई, हम अपलाइन के साथ में यूनिटी में के साथ कैसे रहना है ये हमें सिखाया, और बहुत ही टाइम मैनेजमेंट उन्होंने सिखाया। बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत एंजॉय किया। हम लक्षद्वीप में गए, बहुत ही हमने वहां पे एंजॉय किया फ्रेंड्स। देखिए क्या इम्पोर्टेंस है, आपको आपके ड्रीम्स फुलफिल करने हैं, यहाँ पे जाना है तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स। अभी देखो आपका सेशन, अभी सितंबर से हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, और अभी अगस्त महीना चालू है और हमारा अगले महीने से सेशन स्टार्ट हो रहा है सितंबर टू अगस्त है कि नहीं, 2023 से 2024 तक के ये हमारा सेशन रहता है फ्रेंड्स। तो हमें क्या करना है, जो भी आपका सेल्स क्राइटेरिया है, एनुअल सेल्स क्राइटेरिया है, वो पूरा करना है आपको। कुछ लोगों को लगता है काहे के लिए हम 10,000 के प्रोडक्ट्स डाले, काहे के लिए ये करना है, लेकिन करना है क्योंकि आगे जाके बहुत कुछ मिलने वाला है। आगे जाके क्या मिलना है, आप 31 अगस्त तक के मतलब पहले ही अपना सेल्स क्राइटेरिया कंप्लीट करोगे तो आपको बीबीआई बनना है, बीबीआई हो सकते हो, आपको फोरम लेना है, आपको सिल्वर प्रोड्यूसर जाना है, सिल्वर जाके गोल्ड कॉइन भी आपको मिलने वाला है फ्रेंड्स। तो उसकी तरफ ध्यान दीजिए। आपके टीम में जिसका क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं हुआ है एनुअल सेल्स क्राइटेरिया, उसकी तरफ आप ध्यान दीजिए, आपके एलओएस में जाके चेक कीजिए और सभी लोगों को इसका इम्पोर्टेंस बताइएगा कि ये क्राइटेरिया कंप्लीट करने के बाद में आगे आपके लिए क्या कुछ नहीं रखा है फ्रेंड्स। नहीं तो ये क्राइटेरिया नहीं करेंगे तो वो खाली कस्टमर बन के ही रहेंगे फ्रेंड्स। तो आपको सबको टीम में ध्यान देना है एज अ लीडर बन के। देखो लीडरशिप सबके अंदर दड़ी हुई है, लेकिन वो बाहर निकालने वाले मेंटर हमें चाहिए, और हमका खुद का डिसीजन चाहिए, खुद के ऊपर भरोसा चाहिए कि हमारे अंदर जो लीडरशिप है वो लीडरशिप हमें डेवलप करनी है फ्रेंड्स। सबके अंदर कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छी रहती है, लेकिन डर की वजह से वो अंदर के अंदर ही छुपी रहती है फ्रेंड्स। तो हमें ये करना है। उसके बाद में हमें क्या करना है फ्रेंड्स, जैसे कि वुमेन्स एंटरप्रेनर्स है कि नहीं,
लेडीज का यहाँ पे बहुत बढ़िया रोल है ना। लेडीज को क्या करना है, हमारी टीम तो को बहुत स्ट्रांग रखनी है, मतलब हस्बैंड वाइफ टीम है ना। लेडीज को थोड़ी सी बातें सीखनी है, हम कैसे रहते हैं, थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव की रहती है। सभी लेडीज ऐसी नहीं रहती है, सभी लेडीज तो बहुत ही अच्छी रहती है, लेकिन थोड़ा सा रहता है हमें कि नहीं हमारे मन से ही सब होना चाहिए। लेकिन हमें सक्सेस चाहिए तो हमारे मन से ही सब चीजें होने वाली नहीं है। जब हमारे मन के विरुद्ध में जो चीजें होती है तभी हमारा बिजनेस बढ़ता है। ये सब लेडीज ने ध्यान में रखना है। पहले क्या रहता था, हम बिजनेस वुमन नहीं थे, लेकिन आज हम बिजनेस वुमन है तो हमें क्या करना है, झट से हमारी काम काज जल्दी जल्दी से हमें करना है। और हमारे हस्बैंड जो जॉब करते होंगे, जो खेती करते होंगे, तो खेत से आए, जॉब से आए, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले स्माइलिंग फेस रखना है। हमारे हस्बैंड घर में आए तो हमें क्या करना है, स्माइलिंग फेस से उनकी तरफ जाना है। पहले से ही हमारा टाइम मैनेजमेंट करना है कि आप जब बाहर से आते हो, ड्यूटी से आते हो, जॉब से आते हो, तो हम लेडीज को क्या करना है, दोपहर को हमारे मतलब टीम को कॉल करना है, कहाँ पे मतलब डेमो है, प्लान है, उसका शेड्यूल तैयार करके रखना है। दोपहर को आपको जाके मिलना है, उनको कॉन्टेक्ट एंड इनवाइटिंग करना है, और उसके बाद में हमारे हस्बैंड को लेके वहां पे जाना है, और हस्बैंड को हाई मतलब इसमें लेना है। मैं वैसा ही करती, मेरे हस्बैंड इतने मतलब अच्छे हैं, उसके उनके अंदर इतने बहुत बढ़िया स्किल है। फ्रेंड्स, पहले तो उनको लगता था कि ये टीचर है तो यही प्लान दिखा सकती है, मैं तो नॉन टीचिंग में हूँ, मैं कैसे प्लान दिखाऊंगा, लेकिन उन्होंने उनके स्किल बहुत ही डेवलप किए हैं। फ्रेंड्स, इतना अच्छा प्लान दिखाते हैं, इतना अच्छा डेमो दिखाते हैं, होस्टिंग भी बहुत ही अच्छा करते हैं। बिफोर और आफ्टर में बहुत सारे चेंजेस हुए, तो हमने तब क्या किया था, दोनों को समझ लिया था और आइडेंटिफिकेशन करना चालू किया, आप अच्छे कर सकते हो, और वो बोले कि आप भी अच्छे कर सकते हो। तो मैंने कहा होता कि नहीं, आपसे ये जमता नहीं तो मेरा बिजनेस बढ़ता नहीं। फ्रेंड्स, तो मैंने क्या किया, सपोर्ट किया, मेरे बच्चों को भी हैप्पीनेस दिया, मेरे हस्बैंड को भी बोला, और सब मेरी डेमो किट वगैरह में करके रखती, और मेरे पास स्कूटी थी, और स्कूटी से मैंने ये बिजनेस चालू किया। मेरी स्कूटी 2008 में मैंने वो ली थी, और उसकी कंडीशन तो इतनी खराब थी। मेरी डाउनलाइन के पास बहुत अच्छी अच्छी गाड़ी थी, कारें थी, लेकिन मेरे पास खाली स्कूटी थी। मेरे डाउनलाइन बोलते थे, मैडम चलो ना यहाँ पे, तो मैं बोलती थी हाँ। वो मस्त उसकी बाइक लेके आके अपने बीबी को बिठा के वो लेके आते थे, और मैं अपनी स्कूटी पे मेरी डेमो बैग, मैं डेमो बैग लेके मैं स्कूटी के ऊपर जाती थी। और मेरा तब वेट कितना था, 79 kg था, और स्कूटी इतनी छोटी और मैं उतनी बड़ी। और मुझे है ना, कुछ लोग ऐसे हाथ देके मतलब ये करते थे, रुको रुको करके, मैं रुकती थी, और क्या, मैडम आपको ये स्कूटी सूट नहीं करती, आप दूसरी लो, एक्टिवा लो, जुपिटर लो। मुझे पता था मैं क्यों नहीं ले पाती थी, क्योंकि मेरे पास उतना पैसा ही नहीं था फ्रेंड, लेकिन मुझे ये पता था कि ये बिजनेस करने के बाद मैं ये कर सकती करके। तो मेरी डाउनलाइन को मैं स्कूटी पे बैठा के लेके जाती थी, कहाँ पे गड्ढा आता था तो लाइट बंद हो जाता था, हॉर्न कभी बजता था कभी नहीं बजता था, लेकिन गॉड का मेरी तरफ इतना ध्यान था कि जब मैं घर आती थी अकेले, पूरे लाइट बंद रहते थे, लेकिन किसी की तो मेरे पीछे से 4-व्हीलर आती थी, वो प्रकाश मुझे देती थी, और वैसे करके मैं मेरे घर घर तक के मैं 9:30 बजे वैसे मैं आती थी। मतलब अकेले जब जाती थी तो सर कोर्ट से आते थे, तो मैं अकेले भी बिजनेस मैंने वो बिल्ड किया, तो तब मैं रात में 9 साढ़े 9 बजे मैं स्कूटी से सेफली मेरे घर में पहुंचती थी। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मेरी स्कूटी पंचर हो गई, कि मुझे वैसे हाथ से लेके जाना पड़ा, ऐसे नहीं रहता था। पेट्रोल के लिए मेरे पास पैसे नहीं रहते थे, 100 रुपए रहते थे, 50 रुपए का पेट्रोल डालती थी और 50 रुपए मेरे बैग में रहते थे। जैसे फंक्शन रहता था, पहले फंक्शन से तो हमारे पैसों से गए, दूसरे फंक्शन को दोनों को जाने लगा था, तो पहले टिकट रहती थी 240 240 की, तो हम हिसाब करते थे, मतलब 240 240 800 मतलब 480 रुपए हो गए थे। तो मेरे हस्बैंड बोलते थे कि तू ही जा, मैं नहीं आता, लेकिन मेंटर को पता रहता था कि ये क्यों नहीं आ रहे, तो मेंटर बोलते थे कि चलो चलो देखेंगे, प्लेटिनम होने के बाद में जो भी कुछ है वो दे दो करके। तो हमारी वो जो फीस है वो हमारे मेंटर भरते थे। फ्रेंड्स, अभी भी मुझे याद है, काश सर और मैम ने 240 रुपए टिकट नहीं ना देती तो मैं फंक्शन कभी भी मैं नहीं देख पाती। मैं खाली सोचती ही रहती कि मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास पैसा नहीं। हम क्या करते थे, ट्यूशन के पैसे आते थे तो हम सर और मैम के पास में लेके जाते थे, लेकिन हमारे मेंटर बोलते थे कि जान दो मैम, प्लेटिनम होने के बाद में ही दो। सर और मैम को पता था कि एक दिन ये प्लेटिनम जाने वाले है करके, तो
ये हुआ फ्रेंड्स, जो हमारे अपलाइन बोलते हैं ना वही होता है। जो भी आपके अपलाइन है आपके बारे में अच्छा ही सोचते हैं, पहले तो डाउनलाइन के बारे में सोचते हैं, उसके बाद में उनका ड्रीम पूरा होता है, वो अपने बच्चों का टाइम हमारे लिए देते हैं, तो हमें उनको लेना है, वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है फ्रेंड्स। और लेडीज का तो इसमें बहुत बहुत ही बढ़िया रोल है, लेडीज लोगों ने फटाफट डेमो सीखना है, डेमो किट तैयार करनी है और प्लान भी सीखना है। ऐसा नहीं कि हमारे हस्बैंड प्लान दिखाते हैं तो हमें प्लान नहीं दिखाना है, खाली डेमो ही दिखाना है। प्लान किस लिए सीखना है, क्योंकि बहुत सारी एजुकेटेड लेडीज भी रहती है और उनको हमने प्लान दिखाना बहुत जरूरी है। जैसा भी आता वैसा प्लान हमें दिखाना है फ्रेंड्स। तो मैं मेरे टीम के लिए प्लान दिखाना मैंने चालू किया, फिर लेडीज लोगों को लगा कि बाप रे ये मैम प्लान दिखाती तो मैं भी दिखाती, करते करके तो डुप्लीकेशन मतलब डुप्लीकेटर तैयार हो गए मेरे टीम में। मेरे टीम में अभी इतने सारे वॉरियर लीडर्स है कि नहीं, जो कि एक टीम में हमारा मतलब प्लेटिनम है डॉक्टर रविंद्र एंड शीतल डाकोरे, उसके टीम में सिल्वर प्रोड्यूसर प्रसाद डोबरे एंड अनुजा मैम, उसके टीम के नीचे है उषा एंड मनीष सर है, उषा मैडम एंड मनीष सर है, वो 12वीं है लेकिन वो प्लान दिखाती है फ्रेंड्स, वो डेमो भी दिखाती है। उनके हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब करते हैं, वो दिन भर बाहर रहते हैं, वो अपना काम चालू रहते हैं, उनके नीचे इतने सारे ब्रॉन्ज है, 9% विद BFI है, इतना बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है हमारे टाइगर टीम का फ्रेंड्स। हम जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे लेडीज लोग आपका डुप्लीकेशन करेंगे फ्रेंड्स। हमने लगा कि नहीं हमारे टीम में हस्बैंड वाइफ आने चाहिए, तो हस्बैंड वाइफ को साथ में मिलके ये अपॉर्चुनिटी